दोस्तों अभी हम लोग निकल गया जसवंतगढ़ से, अभी यहाँ से आगे सिला मिलेगा। आप लोग बने रहे दोस्तों, लाइक शेयर और कमेंट का कमी नहीं होना चाहिए। जो नया से देख रहा है प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी यहाँ पर बारिश आ रहा है तो मैंने रेनकोट नहीं पहना अभी, क्योंकि 10-15 बार तो पहना खोला फिर पहना फिर खोला ऐसे हो रहा है। थोड़ा दूर जाएंगे बारिश आएंगे फिर बंद हो जाएंगे, ऐसे हो रहा है मतलब। इसलिए देखता हूँ थोड़ा जोर से आने से पहनना पड़ेगा रेनकोट। जो दोस्तों व्यू देखिए, व्यू यहाँ पर ऑक्सीजन कम मिलता है इसलिए थोड़ा बात करने से भी थोड़ा सांस फूला जैसे लगता है, और गाड़ी भी खींचता ही नहीं। कल माधुरी लेक गया था वहाँ में भी आदमी का भी हालत खराब और मेरा पुष्पा का भी हालत खराब, ऑक्सीजन मिलता ही नहीं। मेरे का तो दोस्तों कल डिहाइड्रेशन जैसे हो गया, एकदम चक्कर चक्कर वोमिटिंग वोमिटिंग इस टाइप का हो गया वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने सोचा ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है बोल के फटाफट थोड़ा वीडियो बना के आ गया दोस्तों। तुआंग से दोस्तों चाइना बॉर्डर भी वही 35 किलोमीटर जैसे होगा, और माधुरी लेक भी वही है, सेम ही है, 30-35 किलोमीटर है। चाइना बॉर्डर जाने के लिए दोस्तों पास बनाना पड़ता है, तो हम लोगों ने पास नहीं बनाया, पास का चक्कर में होने से और एक दिन लेट हो जाएगा, इसलिए मतलब आ गया दोस्तों। किसी दिन जाने से जाऊंगा बुमला बॉर्डर। अभी हम लोग दोस्तों जसवंतगढ़ से शिला टॉप की ओर में हम लोग बढ़ रहा है, ऊपर उठ रहा है। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ऑक्सीजन ऐसे ऐसे कम होते जा रहा है, थोड़ा सांस फूलते जा रहा है। दोस्तों देखिए फोगी ऊपर पहाड़ों पर, दोस्तों बहुत ही खूबसूरत जगह है देखिए। बहुत ही मजेदार जगह है। अब यहाँ से दोस्तों थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, ठंडा ज्यादा हो रहा है। दोस्तों आप लोग शिला लेक को देख रहे हैं कि नहीं देख रहे, पूरा फोगी है, ये शिला लेक है। यहाँ पर दोस्तों किस्म किस्म का मतलब ये क्या बोलता है उसको, पानी हाथ जो सीजन में आता है। यहाँ पर किसी किसी सीजन में गोल्डन कलर का भी पानी हाथ आता है यहाँ पर। अभी पूरा फोगी है, क्लियर नहीं है दोस्तों। ये शिला लेक है, नीचे में घूमने के लिए थोड़ा बना दिया है रोड जिसे, तो हम लोग तो नीचे नहीं जाएंगे, यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, बात करने में थोड़ा सांस फूला जैसे हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग चले जाएंगे। मौसम खुलने से और अच्छा दिखाई देना था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अभी शिला पास आएगा। दोस्तों ये शिला पास है, अभी हम लोग शिला पास पर पहुँचा है। जस्ट मैंने आप लोगों को ब्लॉग पर क्या क्या वादा किया था सब डेस्टिनेशन को पूरा करने का कोशिश किया है। दोस्तों ये शिला पास है देख लीजिए, यहाँ पर दोस्तों ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बात करने में तकलीफ होता है। आप लोग बने रहे दोस्तों मेरे साथ गोरखा स्टेट राइडर के साथ में, दोस्तों बात ही कर नहीं पा रहा हूँ ठंड से। डेंटेशन वेलकम टू तुआंग। सांस फूल रहा है दोस्तों। दोस्तों ये बैसाखी है, अभी अभी हम लोग बैसाखी में पहुंचा है। देखिए यहाँ पर हम लोग चाय पिया है, अभी आगे बढ़ेंगे यहाँ से, हम लोग बने रहे हैं मेरे साथ।
चुस्की गरम चाय, यहाँ पर चाय पिया था, अभी निकलेंगे आगे। दोस्तों यहाँ पर चाय चुई पिया, अभी निकलते हैं आगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ। दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है? मेरे को तो मजा लग रहा है, मजा। बॉम्बिला पहुंच रहा था आगे, क्या करेगा दोस्तों। तो ये यहाँ मैं ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहा था, वहाँ हम लोग को जिसने रुकाया वो फौजी, बात कर रहा था ऑक्सीजन के बारे में। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों, कल 8:30 पहुंचा बॉम्बिला, अभी नाश्ता वास्ता करेंगे, उसके बाद फिर निकलेंगे सेपा के। ब्लैक टी moments later. दोस्तों नाश्ता वास्ता खा लिया, अभी निकलते हैं यहाँ से आराम से, आप लोग बने रहे मेरे साथ। क्या करो दोस्तों, ऐसे है जिंदगी। जाएगा बेटे, बेटा हाँ जाएगा। दोस्तों अभी हमने निकल गए बॉम्बिला से, मार्केट होते हुए जाएंगे, मार्केट में तो नहीं रुकेंगे, लेट हो जाएगा, ऐसे थोड़ा नज़ारा देखते हुए जाएंगे मार्केट का। ये दोस्तों सबसे पुराना गुम्बा है बॉम्बिला का, अभी ये भी नया बना रहा है। ये दोस्तों बॉम्बिला का मार्केट है, दोस्तों बॉम्बिला का मार्केट बहुत कंजेस्टेड है, इसलिए ये शायद वन वे है। देखिए दोस्तों बॉम्बिला मार्केट का नजारा, ये मेन मार्केट है बॉम्बिला का।
दोस्तों शिला पास में बहुत ही ऑक्सीजन कम है, किसी किसी आदमी को तो पूरा चक्कर लगता है। कल मेरे का भी वो शिला लेख के सामने में थोड़ा सा ये हो रहा था तकलीफ, तो वहाँ पर हम लोग ज़्यादा देर नहीं रुका है। ये शिला पास और शिला लेख में थोड़ा फोटो वोटो खींचा है, वीडियो वीडियो किया है, उसके बाद में फटाफट आ गया क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा रुकना ठीक नहीं है। नीचे जाने का रास्ता खोले ना, दोस्तों हम लोग ये अभी डाउन जाएंगे, आपका लेफ्ट जाएंगे तो शिला दिरंग के लिए ये बाईपास है, बोमडिला टाउन नहीं घुसेगा, ये बाहर बाहर से निकल जाएगा। दोस्तों हम लोग टाउन होके आया, ये हाईवे है बाईपास, वहाँ से जाएगा। तेजपुर 150 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम लोग रूपा मोड़ पहुँच गया, ये राइट जाएंगे तो रूपा, हम लोग सीधा जाएंगे। हम लोग सीधा जाएंगे दोस्तों, पहले यहाँ पर लोहा का पुल था छोटा सा, अभी आरसीसी हो गया हाईवे होने के बाद में। उस समय जब लोहा का पुल था दोस्तों, तब आदमी लोग का मुख से मैंने सुना है यहाँ पर कुछ चुरेल उरेल निकलता था बोल के, अभी कितना सच है कितना झूठे हो तो मेरे को मालूम नहीं है। दोस्तों ये अभी हम लोग टांगा पहुँच गया, ये टांगा बाजार है। टांगा पार हो गया दोस्तों, यहाँ भी हम लोग दर्जा पहुंच गया जेमेरी। इसे दोस्तों जेमेरी पॉइंट कहते हैं। यति पोइन्ट काट्नु नसकेको नि, लास्ट मन्दिर बनाएर मात्रै काट्नु सकेको, यो पार यो पार त एउटै हो नि। जय हो नाग बाबा, रक्षा कीजिए। दोस्तों नाग मन्दिर पार हो गया। दोस्तों नेचीपुर टनल आ गया, ये नेचीपुर टनल है, हम लोग टनल में नहीं जाएंगे, यहाँ से लेफ्ट जाएंगे। फोटो सेशन हो रहा था टनल का सामने में, आजकल तो दोस्तों रील फोटो ये सब का जमाना है, क्या करेगा, जमाना का साथ में खुद भी चलना पड़ता है, जमाना का साथ में आप नहीं चलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे फिर। दोस्तों यहाँ से हम लोग लेफ्ट जाएंगे, सीधा जाएंगे तो वही तेजपुर, हम लोग सेपा के लिए लेफ्ट जाएंगे। नेचीपुर पहुँचा है हम लोग, नेचीपुर में आपका 11 बजने के लिए 10 मिनट बाकी है, और यहाँ से अभी हम लोग निकलेंगे सेपा के लिए। तो आते हुए भी पूरा रोड दिखाते हुए मैं आया आप लोगों को, अभी मैं रोड दिखाते हुए नहीं जाऊँगा, जगह जगह मतलब जैसे कि ये जगह पहुँच गया, ये जगह पहुँच गया, इस तरीके से पहुँचते हुए मैं जाऊँगा। आप लोग बने रहे मेरे साथ, बाकी जाऊँगा आप लोग बने रहे मेरे साथ। और दोस्तों हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये लास्ट ब्लॉक रहेगा, और ऊपर में आई बटन होगा उसमें भी क्लिक कर दीजिएगा, मैं आई बटन डाल दूँगा साइड पर, ये साइड नहीं हमसे ये साइड में मैं डाल दूँगा, कहीं पर भी आपको मिल जाएगा ये नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट होगा आई बटन के साथ में, और इन स्क्रीन भी मैं डालूँगा, उसमें भी आप क्लिक करके ये सीरीज का ब्लॉग को आप कंटिन्यू देख सकते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ। अभी पाले जी से फिर आगे बढ़ेंगे, आप लोग बने रहे मेरे साथ।
अब इसका आगे बहाना आएगा। दोस्तों अभी पाली जी पार हो गए, 45 कहते हैं इसे। अभी हम लोग वेस्ट कमिंग में है दोस्तों, एक ब्रिज आएगा आगे, ब्रिज पार होने से हम लोग ईस्ट कमिंग इंटर कर लेंगे। ये ब्रिज है दोस्तों, अभी हम ये ब्रिज का उस तरफ जाएंगे तो ईस्ट कमिंग इंटर कर लेंगे। ये हो गया ईस्ट कमिंग इंटर दोस्तों। दोस्तों इस ट्वांग सीरीज का आखिरी क्षण अब आ गया है, अभी तो ये अभी आखिरी क्षण है। तो मैंने सोचा ये बाना ब्रिज से अच्छा एंडिंग पॉइंट और नहीं हो सकता है, इसलिए मैं ये यहाँ पर ही एंडिंग कर रहा हूँ। और दोस्तों ये जो इस सीरीज में जो जो हमसे जुड़ा है, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब किया है इस सीरीज़ में, तो उस सबको बिग बिग थैंक यू। और जो जिसने मतलब मेरे को सपोर्ट किया है, मेरा ब्लॉग देखा है, तो उन सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों जो मेरा पुराना सब्सक्राइबर फैमिली है उनको भी बिग बिग थैंक यू। और आप लोग भी आइए, अरुणाचल बहुत अच्छा जगह है, अरुणाचल में घूमिए, यहाँ का आदमी यहाँ का लोग बहुत अच्छा है, मिल अनुसार है, सबसे मिलजुल कर रहता है, यहाँ पर जगह भी अच्छा है, आप लोग आइए अरुणाचल देखिए घूमिए। दोस्तों ये ट्वांग सीरीज हम लोगों ने फर्स्ट डे को 28 सितंबर को शुरू किया था, आज 2 तारीख है अक्टूबर का। तो ये सीरीज जो जर्नी हम लोग का जर्नी जो 5 दिन का रहा, तो अभी मैं ये जर्नी को यहीं पर एंडिंग करना चाहता हूँ। दोस्तों इस ट्वांग सीरीज में जो जो हमसे जुड़ा है, जिस जिसने नया सब्सक्राइबर जुड़ा हुआ है हमसे, और जो मेरा पुराना यूट्यूब फैमिली है, उन सबको मेरा दिल से सलाम। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, आप लोग ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए मेरे को, मुझे भी अच्छा लगेगा और मैं आगे भी ऐसे ब्लॉग बनाता जाऊंगा आप लोगों के लिए। दोस्तों हम हैं राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। आइए आज इस ट्वांग सीरीज को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं और एक नए ब्लॉग पर। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, देखते रहिए आपका अपना चैनल गोरखा स्टे राइडर। टेक केयर, बी सेफ, जय हिंद, जय गोरखा।